व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं तो उनको हिल स्टेशन एरिया साइड में अप हिल्स एंड डाउन हिल्स के अंदर या फिर कोई स्लोप होता है, टेपर होता है, उसके अंदर पार्किंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, आज की वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। तो गाइस, मैं बताऊँगा कि कैसे ईजी वे के अंदर आप कोई भी ऐसा स्लोप या कोई भी अप हिल या फिर डाउन हिल्स टाइप की रोड होती है तो उस पर आप कैसे इजी वे के अंदर अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं और आपकी कार बिल्कुल भी एक इंच भी बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी और ना ही आगे की तरफ मूव करेगी ना ही पीछे की तरफ मूव करेगी। तो गाइज़, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, डेमो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मेरे घर का स्लोप है वो, क्योंकि गाइज़ जो हिल स्टेशन एरिया होते हैं उनके अंदर अप हिल डाउन हिल ऐसे स्लोप टाइप की रोड्स होती हैं एंड जो काफ़ी न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी कार जो घर का स्लोप होता है उसके ऊपर पार्क करते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड न्यू ड्राइवर्स काफ़ी बार अपनी कार स्लोप के ऊपर लगा के अपनी कार वॉशिंग करते हैं तब भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इजी वे के अंदर आप अपनी कार स्लोप के ऊपर पार्किंग कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं अपनी कार पार्क कर लेता हूँ स्लोप के ऊपर एंड गाइस, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं एंड ओल्ड ड्राइवर्स भी होते हैं उनके माइंड में ये मिथ होता है कि वो अपनी जब कार स्लोप के ऊपर पार्किंग करना सीख जाते हैं उसके बाद भी जब वो अपनी कार स्लोप के ऊपर या अप हिल एंड डाउन हिल्स के रोड्स के ऊपर पार्क करते हैं तो पार्किंग करने के बाद वो अपनी कार के टायर्स के पीछे ऐसे कोई ईंट पत्थर का यूज़ करते हैं। उनके माइंड में मिथ होता है कि अगर वो ऐसा यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी कार पीछे की तरफ या आगे की तरफ मूव हो सकती है। तो गाइस, मैं बताना चाहूँगा अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लोप के ऊपर कार पार्किंग करना सीख जाते हैं तो आपको ऐसे कुछ ईंट पत्थर किसी चीज़ की यूज़ पड़ने वाली नहीं है। तो गाइस, मैं बताऊँगा कि आप सिर्फ हैंड ब्रेक एंड गियर का यूज़ करके कैसे प्रॉपर तरीके से स्लोप के अंदर अपनी कार पार्क कर सकते हैं और आपको कुछ भी ईंट पत्थर की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो गाइस, फटाफट से मैं अभी कार लेता हूं पीछे रैम के ऊपर। गाइस, कार मैंने कर लिया स्टार्ट, अब मैं गाइस इसको पीछे रैम के ऊपर लेता हूं और जो इसका फ्रंट का साइड है मतलब इंजन वाला साइड है वो रहेगा एक तरीके से इस शेप में टेपर के ऊपर एंड जो पीछे का पार्ट है वो रहेगा स्लोप के अंदर डाउन हिल्स की तरह। तो एक तरीके से आप घर के अंदर स्लोप होता है उसी का डेमो आप ले सकते हैं। तो गाइस, मैं पीछे अभी ले रहा हूँ। तो गाइस, मेरी कार की पोजीशन देखना, बिल्कुल जैसे स्लोप पे रहती कार। तो गाइस, मेरी कार आ चुकी है स्लोप के ऊपर। तो अब गाइस आपको करना क्या है, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, जब आप स्लोप पे आ जाओ तो आपको अपनी कार होल्ड कर लेनी है ये वाला फुट वाला ब्रेक यूज करके। उसके बाद तो आपको जो हैंड ब्रेक यूज करना है वो ऐसे बटन दबा के यूज नहीं करना। काफी जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैंड ब्रेक का प्रॉपर यूज करना नहीं आता उनको, वो क्या करते हैं जो ये बटन होता है उसको पुश करके तब हैंड ब्रेक लगाते हैं। तो गाइस, आपको ऐसे हैंड ब्रेक नहीं लगाना है। अगर आप ऐसे हैंड ब्रेक लगाओगे तो परफेक्ट तरीके से आपका हैंड ब्रेक नहीं लगेगा। तो आपको हैंड ब्रेक लगाना है तो आपको ये प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये प्रेस करना है जब आपको हैंड ब्रेक हटाना है। तो हैंड ब्रेक आपको लगाना है तो सिर्फ आपको हैंड ब्रेक लीवर को सिर्फ ऊपर की तरफ पुल करना है, अच्छे से ऐसे ही साउंड आनी चाहिए। और ये बटन सिर्फ हैंड ब्रेक रिलीज करने के लिए यूज होता है, ऐसे नहीं कि हैंड ब्रेक लाओ तब भी आपको इसका यूज करना है। जब आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना हो तो पहले इसको प्रेस करना है, ऐसे आवाज आएगी, फिर उसके बाद आपको इसको डाउन करना है। बाकी आपको जब भी हैंड ब्रेक लगाना हो तो इस लीवर को सिर्फ आपको यहां से पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ पड़ना है और आपको साउंड सुनाई देगी, तब समझो कि आपका हैंड प्रॉपर तरीके से लग चुका है। एंड उसके बाद आपको अपनी कार डाल देनी है फर्स्ट गियर में। एंड गाइस, ध्यान रहे जब भी आप अपनी कार स्लोप के अंदर पार्किंग करो और हैंड ब्रेक का इनका यूज करो तो ध्यान रहे कि आपको अपनी कार ऑन रखनी है, क्योंकि गाइस जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो अच्छे से एक्टिवेट होता है जब आपकी कार ऑन रहती है। तो गाइस, उसके बाद आपको डाल देनी है क्लच प्रेस करके, पूरी क्लच प्रेस करके आपको अपनी कार डाल देनी है फर्स्ट गियर में। और गाइस, अब करता हूं मैं अपनी कार को बंद। तो गाइस, अब मैं सब कुछ रिलीज करता हूं, जो मेरी जो फुट ब्रेक है उसको भी मैं रिलीज कर देता हूं और जो क्लच है उसको भी रिलीज कर देता हूं एंड आपको दिखाता हूं कार बिल्कुल भी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी। तो गाइस देखो, मैंने इसको भी क्लच को भी रिलीज कर दिया और गाइस मैंने ब्रेक को भी रिलीज कर दिया। तो गाइस, अब देखो मेरी कार बिल्कुल भी एक इंच भी पीछे नहीं गई और मैं इसको हिलाऊं भी तब भी नहीं जाएगी। तो गाइस, काफ़ी लोगों का माइंड में मिथ होता है कि ऐसे पार्किंग करने के बाद भी वो अपने कार के टायर के पीछे
ईंट का या पत्थर का यूज करते हैं कि उनकी कार पीछे ना चली जाए। तो गाइज ये माइंड में मिथ रहने वाला है सिर्फ, क्योंकि गाइज जब आप अपनी कार प्रॉपर तरीके से गियर में डाल के, फर्स्ट गियर में डाल के और हैंड ब्रेक अच्छे से लगा के पार्क कर देते हो स्लोप के अंदर, तो आपकी कार 1% भी पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। गाइस अगर सपोज करो आपकी कार अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है, मतलब जो आपका जो कार का फ्रंट पार्ट है वो डाउन साइड में और जो आपका डिग्गी वाला पार्ट है वो अपर साइड में है, तो इस कंडीशन में करना है क्या गाइस? सपोज करो आपकी कार कुछ इस कंडीशन में पार्क है, अप हिल्स या डाउन हिल्स के अंदर या फिर स्लोप के ऊपर, मतलब जो फ्रंट पार्ट है वो डाउन साइड में है और जो पीछे का बैक पार्ट है डिग्गी वाला वो अपर साइड में पार्क है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस आपको एक चीज डिफरेंट करनी है, वो करनी है गाइस जब भी आपकी कार कुछ इस कंडीशन में पार्क हो तो आपको करना क्या है, जो आपकी कार का जो गियर है वो चेंज कर देना है का बैक गियर। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी कार की जो क्लच है वो पूरी प्रेस करके आपको अपनी कार डाल देनी है बैक गियर में, एंड जो आपकी जो हैंड ब्रेक लीवर है उसको कर देना है अच्छे से अप्लाई कुछ इस तरीके से। तो गाइस जब भी आप अपनी कार डाउन हिल्स के अंदर पार्क करो, मतलब जो फ्रंट पार्ट है वो डाउन साइड में हो एंड डिग्गी वाला पार्ट अपर साइड में हो, तो आपको यूज करना है बैक गियर। एंड गाइस अगर आपकी कार अपोजिट डायरेक्शन में पार्क हो अप हिल्स के अंदर, मतलब फ्रंट पार्ट हो वो अपर साइड में एंड जो बैक डिग्गी वाला पार्ट हो वो डाउन साइड में, तो आपको यूज करना है कार का फर्स्ट गियर एंड हैंड ब्रेक। एंड अगर आपकी कार डाउन हिल्स के अंदर हो, मतलब फ्रंट पार्ट डाउन साइड में एंड बैक पार्ट अपर साइड में, तो यूज करना है आपको बैक गियर और हैंड ब्रेक। तो गाइज ये प्रॉपर तरीका है आपको अपनी कार स्लोप पे पार्क करने का। तो गाइज लिटरली अगर आप इस तरीके से अपनी कार पार्क करोगे तो आपको किसी चीज की नीड पड़ने वाली नहीं है, कोई भी ईंट पत्थर की नीड पड़ने वाली नहीं है, और आपकी कार 1% भी आपकी कार पीछे या आगे की तरफ मूव नहीं करेगी। तो गाइज ये है परफेक्ट तरीका अपनी कार को अपहिल डायरेक्शन में एंड डाउनहिल डायरेक्शन में या फिर स्लोप पे कार पार्किंग करने का, क्योंकि गाइज जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं, बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी अपनी कार वो स्लोप के अंदर पार्क करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइज चैनल पर ऑटोमेटेड वीडियो एंड डीआईवाई टिप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।